हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आरम। तो अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में चैप्टर उठाया हमने ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री से इससे पहले कैसे लेक्चर आ चुके हैं, आई होप आपने देख रखे होंगे सारे लेक्चर्स। को नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक एक वीडियो का लिंक लगा हुआ है, वहां पे सारे लिंक क्लिक करो और सारे वीडियोज को देखो पहले, ठीक है? तब आप समझना ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में तीन आइडेंटिटीज जो होती है, जिसका प्रूफ मैं पहले ही करा चुका हूँ आपको, अभी एक रिकॉल करा देता हूँ जल्दी जल्दी, के बाद फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस पेपर में बहुत ज्यादा से पूछे जाते हैं। पेपर में अगर क्वेश्चन कोई ट्रिग्नोमेट्री मिलेगा तो वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का एक क्वेश्चन लॉन्ग में जरूर मिलेगा आपको, ठीक है? कई सारे पार्ट आएंगे सेक्शन नंबर 5 के, कम से कम 6-7 पार्ट आ जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के, ठीक है? करते हैं स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को रिकॉल करा रहा हूँ, उससे पहले जिसने देख रखा है इसको स्किप मार दो, आगे क्वेश्चन पर डायरेक्ट बढ़ जाना। रिकॉल करा रहा था पहले पहले पहली आइडेंटिटी होती है साइंस का डेटा प्लस कॉस का डेटा इक्वल 1। भाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ठीक है? ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है? ये पता है कि नहीं पता? अब क्या कर दो, डिवाइडिंग एच स्क्वायर बाई बोथ साइड, ठीक है? बोथ साइड क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे किससे, एच स्क्वायर से। जब एच स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। ये हो जाएगा एच स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, दैट इज 1। ये हो जाएगा पी अपॉन एच का होल स्क्वायर एंड प्लस पी अपॉन एच का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब देखो, एक चीज जो दिमाग में बैठा के रखनी है वो ये है कि हमें हरदम याद होना चाहिए जो मैंने शॉर्टिक बताई है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दिमाग में बैठा के रखनी है। अब देखो, P अपॉन H क्या होता है, साइन, तो यहाँ पे लिख दो साइन थीटा। P अपॉन H क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे लिख दो साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? P अपॉन H क्या होता है, कॉस होता है, तो यहाँ लिखो कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू द 1। पहले आइडेंटिटी माइनस प्रूव हो गई, पहले आइडेंटिटी माइनस ये प्रूव हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है? पढ़ते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। नेक्स्ट वाली आइडेंटिटी में क्या करोगे, ऐसे एक बार P से डिवाइड कर दोगे और एक बार H से, H से हो चुका है, B से डिवाइड कर दो, तो सेकंड वाली और थर्ड वाली आइडेंटिटीज भी प्रूव हो जाएगी। नहीं देखे से पहले वाली लिंक वीडियो में करा चुका हूं मैं आपको। पढ़ते क्वेश्चन की तरफ। प्रूव डेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है? थीटा की जगह आप ए लिखा गया, तो पहला सोल्यूशन करो। पहला क्वेश्चन दिया गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 के बराबर लाना है। एलसीएम साइड लेके चल रहे हैं। सबसे पहले आइडेंटिटीज हमें पता होना चाहिए। पहले आइडेंटिटी हमने पढ़ रखा था क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है? यही आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखो यहाँ जब हम करेंगे यहाँ पर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? अगर कॉस को इधर बना रहने देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इस चीज उठा के यहाँ पे लिख दोगे। पहले लिख लो ये पे, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा, इंटू सेक स्क्वायर ए करोगे। बाय द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल बता रखा है हमने, कॉस का रेसिप्रोकल का तो सेक होता है, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए टू सेक स्क्वायर ए। ये देखो डोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों कट जाएंगे, दैट इज इक्वल टू द 1। हम एलएचएस लेके गए थे, हमारा आरएचएस आ गया, तो प्रूव हो गया। देखो ट्रिग्नोमेट्री अगर आइडेंटिटीज याद होंगी आपको, आसानी से क्या करोगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रूफ की तरफ। नेक्स्ट प्रूफ क्या दिया गया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। एलएचएस साइड हम सॉल्व करने चलेंगे। पहले एलसीएम साइड क्या दिया गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है? आइडेंटिटीज देखो याद कैसे बना के रखोगे, तो देखो कैसे याद करने का ट्रिक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है ना, एक बार इसमें साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो दोनों साइड पर, क्या करो साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर दो दोनों साइड, ठीक है? तो देखो साइन से साइन कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस साइन कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसक होता है, तो कॉसक स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी बार को कॉस से डिवाइड कर दो वाली आइडेंटिटीज को, पहली वाली ही, फिर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है,
अब कॉस से डिवाइड करोगे जब दोनों साइड को, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन cos² a. साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, sec स्क्वायर ए. ठीक है, ये होगी सेकेंड वाली आइडेंटिटी, एंड ये होगी क्या थर्ड वाली आइडेंटिटी. पहली क्या आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ठीक है, तीनों आइडेंटिटी क्या होगी, दिमाग में बैठ गई, तीनों आइडेंटिटी कैसे निकाला बता दिया मैंने आपको. अब 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, sec स्क्वायर ए होता है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ sec स्क्वायर ए टू cos स्क्वायर ए. sec को चेंज कर लो, sec का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos होता है, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर ए टू cos स्क्वायर ए. ठीक है, cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर कट जाएगा, आ जाएगा 1. LHS साइड लेके चले थे, RHS साइड आ गया. ठीक है, ये देखो दो क्वेश्चन मैंने कराए, प्रूफ वाले हो जाएंगे, थर्ड वाला भी ऐसे ही करना है. देखो थर्ड वाला क्या है, 2 cos स्क्वायर ए, तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर ए प्लस प्लस 2 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए प्लस 2 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू क्या कहलाना है, 2 के बराबर लाना है. देखो ये क्वेश्चन सीबीएसई 2009 में पूछा गया है, 2009 में पूछा गया हुआ, सीबीएसई ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना इस वाले क्वेश्चन को. LHS साइड उठा रहे हैं हम लोग, LHS साइड क्या करें उठा रहे हैं इसको, जैसे हमने दिए गए 2 cos स्क्वायर ए प्लस 2 1 प्लस cot स्क्वायर ए आना. ठीक है, अब देखो 1 प्लस cot स्क्वायर ए क्या होता है, देखो 1 प्लस cot स्क्वायर ए क्या होता है, अभी आइडेंटिटी से बता रखा 1 प्लस cot स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, cosec स्क्वायर ए के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, cosec स्क्वायर ए. यहां लिख लो 2 cos स्क्वायर ए प्लस 2 अपॉन में cosec स्क्वायर ए. ठीक है, अब cosec का रेसिप्रोकल करो, 1 अपॉन cos क्या होता है, इसको 1 लिख सकते हैं इनटू 1 में, sin के बराबर हो जाएगा, तो यहां पे लिख लो sin स्क्वायर ए, यहां पे 2 आ जाएगा क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई लिखा था, और आगे क्या चल रहा है, 2 cos स्क्वायर ए. देखो इसी तरह स्टेप में 1 प्लस cot स्क्वायर ए किसके बराबर, cosec स्क्वायर ए के बराबर होगा, 2 अपॉन में रह गई तो 2 अपॉन में cosec स्क्वायर ए हो गया. ठीक है, यहां है 2 cos स्क्वायर ए, अब दोनों कॉमन ले लो 2 को, तो क्या बच जाएगा, cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए. ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पहली है, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यहां पे 1 हो जाएगा, तो 2 इनटू 1 कर दो, दो के बाद LHS साइड लेके गए तो RHS साइड आ गया. ठीक है, कॉपी में नोट करते जाइए सारे क्वेश्चन को, तो आपको अच्छे समझ में आता चला जाएगा. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, cosec स्क्वायर ए माइनस 1 इनटू tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. ठीक है, सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से ही आ रहे हैं. देखो आइडेंटिटीज बार बार कॉपी में लिखोगे तो याद हो जाएगी. पहले आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, दैट इज फर्स्ट आइडेंटिटी. एंड सेकंड आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए. एंड थर्ड आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, थर्ड आइडेंटिटी हमारी क्या हो जाएगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, कॉसेक स्क्वायर ए. ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगी, कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगी. अब देखो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 दिया गया, किसके बराबर हो जाएगा, सॉल्व करो उसको, सॉल्यूशन करोगे जब इसका, लिख लो फिर से दोबारा इसको, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 ठीक है इनटू टेन स्क्वायर ए. ठीक है, नीचे साइड सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, आरएचएस लाना है. ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है, यहाँ लिखो बाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए. ठीक है, इसको यूज करो यहाँ पे, जब यूज कैसे करोगे, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर ए माइनस 1 होगा कि नहीं होगा, cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या, cosec स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे क्या ले सकते हैं, cot स्क्वायर ले सकते हैं, यहाँ पे cot स्क्वायर ए लिख लो, यहाँ पे हो जाएगा cot स्क्वायर ए टू tan स्क्वायर ए बाई रेसिप्रोकल रिलेशन. रेसिप्रोकल रिलेशन से होता है क्या, tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई cot थीटा. ठीक है, ये होता है, ये cot को भी चेंज कर लोगे तो cot थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan थीटा. तो किसी भी चीज को एक को चेंज कर लोगे आ जाएगा. अब यहाँ cot स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर है, तो cot को चेंज कर दे रहे 1 अपॉन में tan स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर a. ये tan स्क्वायर a से tan स्क्वायर a कट जाएगा, इसके बराबर n 1 के बराबर आ जाएगा. LHS साइड सॉल्व लेके कर रहे थे, RHS साइड हमारा आ गया, यही इसका क्या होता है, सोल्यूशन हो जाएगा. देखो कुछ नहीं करना है, आइडेंटिटीज का ही सारा खेल है सारे क्वेश्चन. अगर आइडेंटिटीज आपके दिमाग में बैठी हुई है, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे.
है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए होल अपॉन में साइन ए प्लस कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू वन। इसको प्रूव करके लाना है। देखो क्या करोगे, देखो एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू द ए प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये होता है, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखो ये चीज देखो ध्यान से, साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए दिया गया है, ठीक है, इसकी जगह पे आप ये रख लो, पुट कर लो, ठीक है, अभी क्या करो ये पुट कर लो, जब हम इसके जगह पुट करेंगे, सोल्यूशन कर रहे हैं हम, एलजे साइड सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा रहने दो, फॉर्मूला दिमाग में बैठा लो, फॉर्मूला लिखा मेरे साइड में, कोई दिक्कत नहीं, एलजे साइड ले ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए अपॉन में साइन ए प्लस कॉस ए, फिर प्लस आएगा साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब साइन ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला देखो क्या लिखा है मैंने, ए प्लस बी, यहाँ पे ए क्या साइन है, बी क्या कॉस है, तो यहाँ पे लिखो साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, सेकंड ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, होल अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए, ये हो जाएगा। और प्लस साइन ये भी चल रहा है, तो प्लस का एक्स्ट्रा साइन लगाओगे, प्लस का साइन और लगा के लिख दो, साइन ए टू कॉस ए। देखो कोई भी स्टेप को भूलना नहीं है, मार्क्स नहीं हटाना है, वरना एक भी स्टेप मिस हो जाएगा, आंसर चेंज हो जाएगा। अब देखो अपॉन में साइन प्लस है, साइन प्लस ए कॉस ए, ये दोनों स्टेप कट जाएंगे, बचा क्या, बचा हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस का साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, देखो प्लस का साइन ए इंटू कॉस ए, ये माइनस साइन इंटू कॉस ए, दोनों कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है वन के बराबर, एडजस्ट साइड लेके चल रहे थे, हमारा एडजस्ट साइड आ गया, सब सोल्यूशन हो गया। देखो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज दिमाग में रखनी है, और ये वाला क्वेश्चन दो बार कॉपी में कर लेना, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है, इसमें एक्स्ट्रा चीज आई है, इसमें फॉर्मूला लिखना है आपको ए क्यू प्लस बी क्यूब का, फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, फॉर्मूला भी है, फॉर्मूले को भी ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बताया उनको भी दिमाग में रखना, और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को भी दिमाग में रखना, तो सारे क्वेश्चन आपको इजिली सॉल्व हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन दिए रहेंगे, आंसर आपको पहले से मालूम रहेगा क्या निकालना है, गलत होने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है साइन ए माइनस कॉस ए के नेक्स्ट ब्रैकेट में कॉस ए माइनस सेक ए इक्वल टू वन अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, इसको प्रूव करके लाना है, ठीक है, तो एलजे साइड इसमें भी उठा रहे थे पहले, एलजे साइड लेके चलेंगे, लिख लो पहले क्या लिया गया है, साइन ए माइनस कॉस ए के, ठीक है, ब्रैकेट बंद इंटू कॉस ए माइनस सेक ए, ठीक है, ये दिया गया है। अब क्या करो, उसे रेसिप्रोकल लगाना है, कॉस ए को चेंज कर दो वन अपॉन साइन में, और सेक को चेंज कर दो वन अपॉन कॉस में, देखो यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए के चेंज कर दो वन अपॉन साइन ए, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दो टू कॉस ए लिख दो कॉस ए, सेक को चेंज कर दो वन अपॉन में कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, अब एलसीएम लो सिंपली, साइन ए जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज करो ये वाला, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, ब्रैकेट बंद अपॉन में कॉस ए हो जाएगा, ठीक है, इतनी समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब क्या करो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता है तुम्हें, उसको लिखो यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है, देखो पहले आइडेंटिटीज ही प्रूफ लानी है इसमें, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन होता है कि नहीं होता है, ठीक है, साइन स्क्वायर ए माइनस वन है, इधर लिखाओ साइन स्क्वायर ए माइनस वन इज इक्वल टू माइनस का कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे लिख दो माइनस का कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो कॉस स्क्वायर माइनस वन करना है, कॉस स्क्वायर है माइनस वन करना है, इसको इधर लाओ तो माइनस का साइन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर ए, चीज हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या करो, होल अपॉन में साइन ए चल रहा है, इधर भी होल अपॉन में कॉस ए चल रहा है, ठीक है, देखो एक स्क्वायर से ये कॉस ए कट जाएगा, एक साइन से ये स्क्वायर कट जाएगा, कटा कि नहीं कटा, ठीक है, क्या हो जाएगा, यानी कॉस से प्लस कॉस कट जाएगा, ये साइन से अलग साइन कट जाएगा, या तो इस तरीके कर लो, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है, हो गया ये। अब क्या करो, आरजे साइड सॉल्व करो, इसमें
आरजे साइड सॉल्व करो, आरजे साइड क्या, वन अपॉन में टेन ए प्लस का कॉट ए, ये दिया गया है ना। अब टेन ए को चेंज करो, टेन ए को चेंज करो साइन अपॉन कॉस में, साइन ए अपॉन में कॉस ए हो जाएगा, और प्लस का कॉस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है, ये बराबर साइन लग के आ रहा है यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, साइन इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। यहाँ पे कॉस ए है तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, दैट इज इक्वल टू द वन, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, वन के बराबर होता है। जब ये वन हो जाएगा ये चीज ऊपर उठ के चली जाएगी तो किसके बराबर आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए। देखो एलएचएस और आरएचएस हमारा क्या आ रहा, सेम आ रहा है ना, हम लिख सकते हैं एलएचएस इज इक्वल टू द आर एच एस, इज इक्वल टू द आर एच एस कर देंगे। क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, टेन ए को चेंज करो साइन अपॉन कॉस में, कॉट को चेंज कर दो कॉस अपॉन साइन, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो एल एच एस और आर एच एस हमारा क्या रहा है, दोनों ही सॉल्व हो गए हैं।